साईं, बड़े साईं, बड़े साईं, बड़े साईं, गजब हो गया बड़े साईं, बड़े साईं, बड़े साईं गजब हो गया, बड़े साईं गजब हो गया, बड़े साईं, बड़े साईं गजब हो गया। दिलावर साईं ने चार बंदों को जिंदा जला दिया है साईं, साईं उनके बीवी बच्चों के सामने जला दिया है साईं, कुछ करे साईं, सही उनको रोके, उनकी फसलों को भी आग लगा दी है सही, उनकी जायदाद में कब्जा कर लिया है सही, उनको रोके वो मर जाएंगे सही, सही कुछ करे सही। जब तू जानता है कि दिलावर साई को कोई नहीं रोक सकता, फिर क्यों परेशान करता है बाबा साई को? सही रोक सकते हैं, एक आदमी उनको रोक सकता है सही, आपके बड़े बेटे सही तैमूर उनको रोक सकते हैं सही, सही तैमूर को बुला ले सही, सही तैमूर को बुला ले सही, बुला ले सही तैमूर को, सही उनको रोक सकते हैं वो सही, कुछ करेगा सब हो जाएगा सही। अच्छा बाबा सही करते हैं कुछ, जा जा तू। सही उनको रोको सही, खत्म हो जाएगा सही, उनको रोको सही, उनको रोक लो सही, बाबा साईं आप क्यों रोते हैं? ये सब कुछ कोई आपकी मर्जी से थोड़ी हो रहा है। अरे बाबा खून तो मेरा ही है ना, तो कुछ मैंने जिंदगी में किया है वो भी वही सब कुछ कर रहा है ना। कल तक कोई मेरे सामने सर नहीं उठा सकता था, आज मैं खुद अपना सर नहीं उठा सकता। अल्लाह साईं उसे सीधे रास्ते पर ले आ, मौला साईं मेरे तैमूर को मुझसे मिला दे, सिर्फ एक बार मैं उससे मिल लूं, एक बार उससे माफी मांग लूं। फातिमा कभी वो तुझसे मिले ना तो उससे कहना कि मरने से पहले मैंने उससे माफी मांग ली थी, और तू भी मुझे माफ कर देना फातिमा, मैं तेरा भी गुनाहगार हूं। नहीं बाबा साईं, कैसी बातें करते हैं आप, बस चुप हो जाए, आराम करें आप। हाँ अब तो मेरे आराम का वक्त आ गया है, अब मुझे अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही है, पर मैं मौत से नहीं डरता, न मुझे अपने मरने का दुख है। दुख है तो बस इस बात का कि मैंने जिंदगी में जो कुछ किया है शायद मेरे बाद कोई हाथ मेरी मगफरत के लिए ना उठ सके। आपकी मगफरत के लिए हाथ जरूर उठे बाबा साईं। Allah
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? सुनिए, असल में आपका लिबास देख के अंदाजा हुआ कि आप पाकिस्तान से आई, इसीलिए आपसे पूछ लिया। अगर आपको बुरा लगा है तो सॉरी। सुनिए, मुझे पता नहीं है यहाँ से टैक्सी कहाँ से मिलती है, तो क्या आप मुझे ये वाले एड्रेस पे पहुँचा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, आए ना प्लीज। आप आए गाड़ी में बैठे, मैं छोड़ दूंगा। परेशान नहीं हो प्लीज। क्या बात है, आज बहुत देर से तस्वीरें देखी जा रही। बस ऐसी बाबा साहब की याद आ रही थी, सोच रहा हूं मैं उनसे रब्ता करी। तो मुझे लगता है साथ आ गए, ये जल्दी से रखो। लीजिए जनाब।
आ गई आपकी मंजिल। मुझे नहीं लग रहा कि यहां कोई रहता होगा। अच्छा आप परेशान नहीं हो, आप मेरे साथ चलिएगा। नहीं, हो सकता है कि वो बाहर गए हों, आने वाले होंगे। कोई कांटेक्ट नंबर है उनका? नहीं, मेरे पास तो सिर्फ यही कार्ड था। देखें, मैं एक बार फिर कहूंगा कि मैं यहाँ इंतजार कर लूंगी। ठीक है, जैसे ओके। शुक्रिया। नहीं, कोई बात। मुझे बताएं क्या बात? क्या बताऊं बेटा, जवान बेटा रातों को देर से घर आता है तो क्या करूं? अच्छा तो ये बात, आप ऐसा करें कि उसके कान खींचें और उसे कहें कि भाई इतनी देर क्यों करते हो, जल्दी आया करो। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने तुम्हारे कान सारी जिंदगी नहीं खींचे, तो अब भी नहीं खींचूंगी। हाँ, मगर इस बार मैंने तुम्हारे कान खींचने वाली का बंदोबस्त कर लिया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये बेटा कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, बल्कि लड़की भी देख ली है और हमें उम्मीद है कि तुम्हें लड़की भी पसंद आएगी। बाबा, आपने न मुझसे पूछा न मुझे बताया और इतना बड़ा फैसला अचानक इतनी जल्दी कर लिया। देखो ना बेटा, तुम्हारी उम्र के लड़के माँ बाप के सामने लड़की को लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की से शादी करनी है, और एक तुम हो के अभी तक माशाल्लाह। बाबा, अगर आपको इतनी जल्दी थी तो आप मुझसे कह देते, मैं आपके सामने लड़की लाके खड़ी कर देता। अच्छा, तो मौसूफ ने पहले से ही लड़की पसंद कर रखी है। बेटा अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से लड़की को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दो, वरना हम तुम्हारा रिश्ता तय कर देंगे। सच में बाबा? थैंक यू वेरी मच बाबा, थैंक यू वेरी मच। ऐसी बात है तो फिर जल्दी से लड़की को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दो, वरना हम तुम्हारा रिश्ता तय कर देंगे। हेलो, पापा ने हाँ कर दी है। क्या सात? ओह माय गॉड, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है सात, तुम्हें अंदाजा नहीं है। सात, आई लव यू, 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 आई लव यू। सॉरी मामा।
ये सिला दे रहे तुम्हें मैं आजादी का? गांव में छोड़ के आते वो अच्छा होता, पड़ी रहती उस गांव में, आजादी देते ना इस तरह मैं देखती कि तुम लड़कों से फोन पे बात कर रही हो। हम वो दिखाएंगे हम इस तरह होता रहा, लाना ही नहीं चाहिए था यहाँ। करेंगे जो तुम्हारे अब्बा ठीक करेंगे तुम्हारे साथ। क्या करना चाहिए समझ ही नहीं आ रही, दिमाग खराब कर दिया तुमने। हेलो, हाँ सलमान भाई, हाँ मैं कादिर बोल रहा हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलमान भाई, वो मैंने इसलिए फोन किया, वो आपको याद है ना हमारी सिन्हा का रिश्ता? जी 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 जी। सलमान भाई, क्या ये मुमकिन है कि हम 10-12 दिन के लिए पाकिस्तान आए और इसी दौरान शादी कर लें? जी ठीक ठीक, ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगा 7:30। क्या 6:30 हो? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुंच। ओके। जाना तो है, सुबह ना सही अभी सही, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, मुझे तो फर्क पड़ता है। मेरे सरकार को कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? अरे दिलावर खान मोहब्बत करेगा तो उस लड़की से जो दुनिया में सबसे जुदा हो गया। मुमकिन है ऐसा कोई आपके आसपास हो, पर आपकी नजरें उसे पहचान न पा रही हो। अभी तुम बोल रही हो तो मैं अपने आसपास भी तवज्जो दूंगा। ठीक है, आप तवज्जो दें, मैं अब चलती हूँ। कमदार को बोलो तुमको गाड़ी में छोड़वाए। गाड़ी है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, पर किसी की खुसूसी तवज्जो की कमी है। क्या बात है, वाह
साईं, ओ साईं। अरे क्या है? साईं मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे अभी दफा हो इधर से, बाद में बात करेंगे। चलो नींद आ रही है मेरे को, जाओ घूमो इधर से। हम दोबारा आ जाएंगे। कुछ खाना वगैरह खाया आपने? तो चलें पहले कुछ खाने वगैरह की तरफ चलते हैं, ओके? मैं आ रहा हूं गाड़ी लेके। खाने का ऑर्डर कर दिया। अरे आप रो क्यों रही हैं? देखें प्लीज इस तरह से मत रो, वरना लोग ये समझेंगे शायद मैं आपको कहीं से जबरदस्ती उठा के लाया।
उठो, पहले खाना खा लो। नहीं मम्मा, आप पहले पापा को मनाएं, फिर मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर में वही होगा जो तुम्हारे पापा चाहेंगे। मम्मा प्लीज, जितना याद रखोगी उतना ही तुम्हें दुख होगा। बेहतर यही है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। नहीं मामा, आप लोगों को मैं कितनी बार समझाऊं, मैं साहब के अलावा किसी से शादी नहीं करूं। मैं आप क्यों इतने जालिम हो गए मामा? बदतमीज कहीं तमीज नहीं है, प्यार से बात नहीं समझती, मरी रहो यहाँ। साहब से शादी बदतमीज, बेहतर रोती रहो तुम। इस तरह नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? अब आप भी जवान बच्ची पर हाथ उठाएंगे? रहने दें, वैसे हफ्ते के बाद हम पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक हो जाएगा सब, मान जाएगी वो। करने दें उसे कोशिशें जो कर रही है। ये मान जाए, इसी में इसकी भलाई है। आप लोग अच्छा नहीं कर रहे, ऐसा जानवरों जैसा सुलूक तो गांव देहात के लोग भी अपनी लड़कियों के साथ नहीं करते। मामा, बड़े साईं की बख्शिश की दुआओं के लिए बैठे 40 दिन तक उसको, अगर ये टके टके के लोग हैं, बाबा साईं के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे। बाबा साईं क्या है, ऊपर अल्लाह जाने, बाबा साईं जाने, दफा कर इनको। सुना मामा, प्लीज प्लीज मेरी मदद करें, वरना मैं मर जाऊंगी। मरने के बाद भी तुम उस लड़के को नहीं पा सकोगी जिसे तुम पाना चाहती हो। मेरी बात मान लो, जहां तुम्हारे पापा चाहते हैं वहां शादी के लिए हाँ कर दो। मामा आप भी? हाँ मैं भी, क्योंकि मैं जानती हूं अब कुछ नहीं हो सकता, चाहे तुम चीखते चिल्लाते हाँ करो या फिर खामोशी से हाँ कर दो। नहीं मम्मा, मैं कभी हाँ नहीं करूँगी। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं भी यही सोचती थी कि जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, और आज वही सब कुछ मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है, और तुम भी अपना अंजाम मेरी सूरत में देख सकती हो और समझ सकती हो। रो लो, आज जी भर के रो लो, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी आंखों में कभी ये जज्बात नहीं दिखाई देने चाहिए। मेरी एक बात याद रखना सुना, हम औरतों के नसीब में सिर्फ हुक्म मानना या गर्दन झुकाकर हाँ करना लिख दिया गया है, और प्लीज तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम इस तरह करके मुझे दुख देना चाहती हो? मम्मा कम से कम
मुझे मेरा मोबाइल मिल सकता है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सोच ले, आप घर पे मुझ पे कितनी ही सख्ती कर, लेकिन आखिर पाकिस्तान जाने के लिए तो मुझे बाहर निकलना ही होगा। जन्म की शादी का फैसला कर लिया है, दो दिन बाद शादी है इसकी। शादी? मगर वो हालात ऐसे हुए हैं ना पिछले दिनों हवेली में कि इससे बेहतर फैसला नहीं कर सकता था। मैं ये सब तेरे से पूछ के करूंगा, किसके साथ भी होनी होगी हो जाएगी। किसके साथ? लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है कि पैदा होते ही उस पे सारे जुल्म दुनिया में शुरू हो जाते। अम्मा मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अम्मा। अम्मा पता नहीं साईं दिलावर मुझे किस के पल्ले बांध रहे हैं। ना बेटा, ऐसा नहीं सोचते। मैं हूं ना, मैं बात करूंगी ना दिलावर साईं से। अम्मा तू खुद पूरी जिंदगी के जुल्म चली आ रही। अम्मा तू क्या माफ करेगी? क्या बाप माँ सारी जिंदगी इनके जुल्म सह सकती है, लेकिन एक माँ कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती उसकी बेटी को कोई तकलीफ आए। समझी। अजनबी शहर के अजनबी।